मैं ही इनका इस वक्त अभी हम बैठे हुए मुंगेर के कुरखाना बाजार में, इससे पूर्वी मुंगेर की धरती पर आपको मैं बता दूँ राजा कर्ण की ये भूमि है और राजा कर्ण की भूमि के नाते ये पूरे भारत के मानचित्र पर मुंगेर का एक इतिहास अलग रहा है, इसकी एक महत्व अलग है हर क्षेत्र में मैं आपको बता सकता हूँ। पिछले दिनों मैंने मुंगेर की एक बेटी डॉक्टर अंशुप्रिया जो कि भारत के IAS में 16वां रैंक लाने का गौरव प्राप्त करने वाली, उनकी इंटरव्यू मैंने आप लोगों के बीच में रखा था, परोसा था। आज हमारे बीच में मैं बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री की एक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक जो नीति जो मकसद है वो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है और बता सकते हैं कि हमारी भी धरती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सब इंस्पेक्टर के रूप में 2021-22 में सेलेक्ट की है और हमारे मुंगेर की वो धरती से ये जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूँ कि मैरिड लाइफ में होते हुए इनके पति जिनका नाम दीपक कुमार है और मकसदपुर के रहने वाले, उनका सबसे बड़ा योगदान था। इस सेंस से योगदान मैं मानता हूँ कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को उसे आगे बढ़ने के लिए अगर प्रेरित करता है तो वो सैल्यूट के योग्य होते हैं। और ख़ासतौर पर हमारे लाइफ को देख रहे होंगे, चूँकि हमारे बीच वो अभी नहीं है, वो जमुई में है और हमारे बीच में जो सब इंस्पेक्टर बनी हुए अपनी समय दे रहे हैं। मैं चैनल की ओर से मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी अथक प्रयास और आपका मेहनत आज हमारे बीच में जो सब इंस्पेक्टर रूप में चयन करके मुंगेर की जो बेटी आई है नंदनी कुमारी, वो आज जो दरोगा बनी है वो सबसे बड़ा योगदान इनके जीवन में, माँ बाप के बाद अगर इनके जो जीवन साथी हैं दीपक जी का है, जो कि मैं इस इंटरव्यू के बाद मैं दीपक जी के भी इंटरव्यू को अपने दर्शकों के बीच कल परोसने का काम करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ वैसी मुंगेर की धरती से मुंगेर की बेटी नंदनी कुमारी, जो कि एक शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए भी इनके पति के सहयोग से आज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है और कुछ ही चरणों में एक आध दो महीने के अंतर्गत ये अपनी ट्रेनिंग करने जाएंगे और कहीं कोई जिला के ये प्रोफेशनल पीरियड में अपनी दरोगा के रूप में वहाँ के अपने सेवा देने का काम करेंगे। वैसे बेटी को हम भी चैनल की ओर से उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि वो अपनी समय हमारे चैनल के बीच आई हैं। और अपने दर्शकों के बीच में जो भी महिला हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को सेटल करना चाह रहे हैं, तो उनको भी इनके माध्यम से एक मार्गदर्शन का रूप मिलेगा कि इन्होंने कैसे अपने जीवन को इतनी ऊंचाई पर आने के लिए कैसे स्ट्रगल किया और कैसे आज सब इंस्पेक्टर बनी। उस सब बातों को लिए हमारे बीच में बिहार न्यूज पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है नंदनी कुमारी। और मैं इनके बारे में बता दूं कि बैजनाथ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 2014 से 16 वहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की है और 12th भी वहीं से की है। और 2016 से 19 JMS कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। और इनकी तैयारी जो है सब इंस्पेक्टर का आप जान रहे हैं कि बिहार के मशहूर कोचिंग सेंटर जो खान सर का ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन मुंगेर से बैठे ही तैयारी की और आज सब इंस्पेक्टर में इनका चयन हुआ है। कल खासतौर पे मुंगेर के कुतवाली थाना में शांति समिति की बैठक में हम भी वहाँ गए हुए थे, वहीं पर इनसे हमारी चिनजान हुई और वहीं पर एक हुआ था कि आप मुंगेर की बेटी के नाते आप सब इंस्पेक्टर में आए हैं और हमारी इच्छा है कि मैं आपकी इंटरव्यू को बिहार न्यूज पर चलाऊंगा। सर्वप्रथम बिहार न्यूज पर नंदनी जी आपका स्वागत। धन्यवाद सर, बिहार न्यूज चैनल को आप सुन रहे हैं, हमारे बीच में नंदनी जी हैं, इन्होंने बताया कि आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और ये अपनी समय दे रहे हैं। मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नंदनी जी, आपका नाम नंदनी कुमारी है, आप ये बताइए कि आपको इस जॉब में आने के लिए सबसे बड़ा आपके मार्गदर्शन के रूप में आपको प्रेरित करने वाले आपके मम्मी पापा के बाद अगर आपके जीवन में हैं तो वो कौन है और कौन आपको इस राह पर मैंने सब इंस्पेक्टर पुलिस की जॉब के लिए आपको प्रेरित किया? आपकी अपनी खुद की इच्छा थी कि आपके हस्बैंड का इच्छा था कि आप सब इंस्पेक्टर बनो? क्योंकि दोनों आदमी की जब तक अंडरस्टैंडिंग एक साथ नहीं, एक समान नहीं होता तब तक आज के मैरिड लाइफ के बाद आप खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस कड़ी से जुड़े हुए हम आपसे आप जानते हैं, आपको तो मैं पुनः फिर एक बार बधाई देता हूँ कि आपने मुझे नाम रोशन किए सब इंस्पेक्टर के रूप में, आपका चयन हुआ बिहार पुलिस में।
तो ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, पुलिस दरोगा की पोस्ट का जो लाइफ है, आपको बीपीएससी भी कंप्लीट करके आ सकते थे, डीएसपी बन के, सीओ बन के, राजस्व के भी सेवा से आ सकते थे, वीडियो भी बन के आ सकते थे, क्योंकि ये पुलिस जॉब पाई बीपीएससी में सब इंस्पेक्टर के रूप में आपका ये इच्छा कहाँ से है? वर्दी पाने का जुनून तो था ही मन में कि वर्दी लेना है, और उसके लिए प्रेरित सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत कुछ किया ही है शुरू से अभी तक, लेकिन उनके बाद मेरे पति का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा इंकरेज किया कि आप अपना पढ़ाई जारी रखिए शादी के बाद भी। शादी के बाद बहुत उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि घर से भी आप ऑनलाइन पढ़ के भी मतलब ये परीक्षा पास कर सकती हैं। तो ऑनलाइन में हम खान सर से जुड़े, खान सर का ही वीडियो देख के मैंने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया, और उसके बाद द एग्ज़ाम पोर्टल ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल पे उनका चैनल है, तो उन्हीं से हम टेस्ट देते थे, और खान सर से सारा सर सिलेबस कंप्लीट करके मैंने अपने रिसोर्सेज को एकत्रित किया कि कौन कौन से बुक मुझे पढ़ने हैं इस दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद सारा विषय मैंने खान सर से पढ़ा, और द एग्ज़ाम पोर्टल ग्रुप से मैं टेस्ट देती थी, और जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, और इसी से मैंने अपनी पूरी तैयारी को अंजाम दिया है। नंदनी जी, मैं आपसे ये जानने का ये इच्छा हमारी भी है और हमारे दर्शक भी चाह रहे होंगे, क्योंकि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में आपका चयन हुआ, तो आपकी बायोग्राफी के तौर पर भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे, आपकी शादी कौन से साल हुई? 2020 में हुई सर मेरी शादी। 2020 में आप कितने भाई बहन? दो भाई एक आप में अपनी एक जुनून थी कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं और मैंने सब इंस्पेक्टर के रूप में मैं वर्दी पहनूं और समाज की सेवा करूं, जिस तरह से होता है, जैसे कि आप तो हमारे बीच में पहले प्रथम महिला आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ किरण बेदी जी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं उनकी जो उड़ान थी धारावाहिक उन पर बनाया गया था, उनसे भी प्रेरित होकर बहुत सारे आज आईपीएस महिलाएं हैं, बहुत सारी महिला उनसे प्रेरित होकर पुलिस जॉब में आ रही है डिफेंस में, और महिला हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं परस्पर पुरुष के बराबर वो कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में महिला आ रही है और अच्छा बेहतर कर रही है, और करना भी चाहिए। और ये लाइफ का सिद्धांत रहा है कि जब गाड़ी की दोनों पहिया काम करेगा तो वो लाइफ बहुत सक्सेसफुल होता है। तो मैं ये आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे कि हमारी जुनून थी कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, तो सब इंस्पेक्टर आप बने तो जुनून में आपको सबसे ज्यादा मैंने सहयोग और प्रेरित करने का किसका रहा, योगदान किसका रहा? मेरे हस्बैंड का है सर, उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे इंकरेज किया है कि नहीं आपको कुछ करना है, कुछ बनना है। मतलब आपकी तैयारी में आप जो सब इंस्पेक्टर बने तैयारी में आपको तो कोचिंग भी करना पड़ा होगा? नहीं सर, कोचिंग सर हम नहीं किए, कोई भी कोचिंग नहीं किए, सिर्फ ऑनलाइन से ही पढ़े यूट्यूब से, और उसी से अपना पूरा तैयारी किया। चलिए, आप मैंने खुद में भी बताया कि सबसे बड़ा योगदान उनके हस्बैंड जी का दिया है, जो कि पेशे से एमआर हैं, सन फार्मा में है, और मैं पुनः फिर बोल रहा हूँ कि आज वो नहीं है, अपनी ड्यूटी के सिलसिले में जमुई है, वो मैं कल उनका स्पेशल एक साक्षात मैं चलाऊंगा, लेकिन आज हमारे बीच में नंदनी जी हैं, नंदनी जी अपनी समय दे रही हैं, और पुनः मैं बता दूं कि नंदनी जी की घर ये मायके में, जहाँ से मैं इनकी इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मायके तो थाना बाजार में है, और इनका ससुराल मकसदपुर होता है, और मुंगेर की जितनी भी छात्र छात्राएँ हैं और जितने भी मेगावी जो तैयारी कर रहे हैं अपने भविष्य बनाने के लिए, उनके लिए एक मिसाल के तौर पर मुंगेर की धरती से नंदनी जी हमारे बीच अपनी समय दे रही है। नंदनी जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सब चीज़ ठीक है, यूट्यूब से ऑनलाइन और आप घर से प्रिपेयर करके आप सफलता प्राप्त किए हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर जब आप पूरी तरह ट्रेनिंग करके आपको जो आएंगे जॉब में, आपको थाना अलाउट होगा, जिला अलाउट होगा, तो आपको कैसे लग रहा है कि अभी की जो हालात है और जो पुलिस को जो करना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, सुधार क्या होनी चाहिए, कुछ तो आपका होगा ओपिनियन कि हमें पुलिस जॉब में जो सुधार होने की जरूरत है, चाहे आप एक सब इंस्पेक्टर के रूप में आप किसी जिला में किसी थाना में रहेंगे, तो मुंगेर की बेटी के नाते आप कुछ ऐसा तो होगा कि मैं ऐसा करूँगी जो कि लोगों को लगे कि मुंगेर का नाम आप दरोगा के रूप में रोशन करें। मैं बेटियों के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ बहुत पीछे हैं, बहुत ऐसा भी जगह है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ पीछे हैं, तो मैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ,
कि उनको उनकी शिक्षा एकदम ऊंचे स्तर पे हो, और गरीबों के कल्याण में मैं काम करना चाहती हूँ कि गरीबों को जो भी कुछ भी सुविधा मेरे तौर से हो सके मैं वो उतना करना चाहती हूँ। अच्छा समीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से सब इंस्पेक्टर के लिए आप चयन किए हैं, तो आप अपने मार्गदर्शन को भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे होंगे, अपनी जो आपकी अनुभव आपने प्राप्त किया है, जिस तरह से आपको इसको फेस किए हैं, वो अनुभव को भी आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को शेयर करें जो आने वाले भविष्य में अपनी बेहतर भविष्य के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो जिस क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके तरफ से आप अपना थॉट्स को शेयर करें। एक्चुअली मैंने तो अपने शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई को जारी रखी है, तो शादी के बाद थोड़ा कठिन तो होता है, मगर जब आपके हौसले बुलंद हो तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। इसमें अगर आपका पति अगर आपको साथ देने वाले हो तो आप और अच्छा से अच्छा कर सकती हैं, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। तो मैंने तो अपने ससुराल में रह के ही अपनी तैयारी को अंजाम दिया है, तो यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने सारी तैयारी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब पटना जाके ही आदमी पढ़ सकता है या दिल्ली जाके पढ़ सकता है। अब यूट्यूब पे इतने अच्छे से अच्छे सर हमारा क्लास ले रहे हैं, तो उनसे भी आदमी देख के पढ़ सकता है, और आदमी अपने सेल्फ स्टडी से भी जो चाहे वो कर सकता है। नंदनी जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि हमारे जो सक्सेस है उसके पीछे आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है, तो आपके सास ससुर भी होंगे, भैसूर भी होंगे, ननद भी होगी, उन लोगों का सहयोग कैसा रहा कि आप एक गृहिणी होके एक घर की बहू होके आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का सहयोग क्या रहा, उन लोगों की थॉट्स क्या रहा कि आप जॉब में जाएं कि नहीं जाएं? ये लोग ने मुझे बहुत इंकरेज किया है, मेरी ननद भी बहुत इंकरेज करती थी मुझे, नहीं भाभी आपको करना है, आप एकदम लगे रहिए। मेरे भैंसुर अमित भी अभी बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किए हैं कि नहीं आपको करना है, आप करिए, आप मेहनत करिएगा तो जरूर सफल होगा। चलिए आप ये नंदनी जी बताएं, वो तो आप अपनी ससुराल के बारे में बताएं, आपके मम्मी पापा हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि वो भी आए हमारे साथ आए। फादर है आपका, शुभ नाम क्या हुआ? आपकी बच्ची आज मुंगेर की धरती को, पूरे बिहार की नहीं चाहिए ना, भारत की कर सकते हैं कि मुंगेर की धरती से एक दरोगा बन के एक मॉडल के रूप में आएंगी, और मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले भविष्य में एक अच्छे दरोगा के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में ये अपनी कार्य को दिखाएं और मुंगेर का नाम रोशन करें। खासतौर पर आपकी बच्ची जो बिहार सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुई है, उसके उससे आपको कैसा लग रहा है आज तक? आपको ये बहुत खुशी का दिन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इनके पोस्ट से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, अभी और ही आगे जाएगी जी, ये अभी ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ही DSP में तैयारी करेंगे। हाँ वो तो है, अभी तो ये जॉब ज्वाइन करने के बाद भी UPSC की तैयारी करके डायरेक्टर DSP भी बन सकती है, और अगर इनकी अच्छी पढ़ाई रही अगर रहा तो UPSC भी तैयारी कर सकती है। ये तो एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है आगे अपने खुद का तैयारी करने के लिए, कि इनको अपने पैर पर स्वयं का ही खड़ा हो गई। तो आपकी बच्ची बचपन से, उनके बारे में कुछ ये बताइए, कैसी रही है, क्या आप अनुभव किए हैं? कि बचपन से ही पढ़ने में, सब बच्चों से ज़्यादा ही पढ़ने में तेज थी, और हर बार ये फर्स्ट हुई, कभी नंबर इसको कम नहीं आया। तो ये आपकी संतान, जैसे आपके दो लड़का और एक लड़की है ना, तो सबसे छोटी ये भी? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी भी है, बेटे छोटे हैं जी, इससे छोटा जी, प्रेम जी। तो आप देख रहे हैं, इनके फादर बता रहे हैं कि मेरी बेटी शुरू से ही हर चीज में फर्स्ट रही है, और आज जो सब इंस्पेक्टर बनी है, उनका सीना और चौड़ा हो गया है। और एक लड़की कैसी जात होती है, एक नहीं दो दो परिवार का सीना चौड़ा कर रही है, एक यहाँ की बेटी के नाते, और एक सब इंस्पेक्टर बन के अपने ससुराल और अपने पति सास ससुर सभी दो कुल को, ये दो कुल का नाम रोशन करना एक महिला का होता है। एक जगह से आप देख रहे हैं, यहाँ से इनकी बगल में ही ससुराल है मकससपुर, यहाँ से बगल ही मकससपुर पड़ता है, और घर भी इनका मैके यही है। दोनों मोहल्ला को ये गौरवान्वित करने का काम नंदनी जी ने की है, और आप मैं अपने दर्शकों को माँ से रूबरू कराता हूँ। आइए, इनकी माँ हमारे बीच है, उनसे भी मैं अपने दर्शकों को रूबरू कराता हूँ। सर्वप्रथम आंटी, बिहार न्यूज पर आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका?
आपकी बच्ची या सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर आप जान सकते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में सब इंस्पेक्टर एक इतना बड़ा पोस्ट होता है कि सबसे बड़ी पोस्ट होता है। डायरी लिखने का पावर संविधान ने इन्हीं को दिया है और जो आदमी डायरी लिख सकता है, एक इनका डायरी लिखा हुआ को एक सुप्रीम कोर्ट ही काट सकता है। अगर इनकी डायरी लिखा हुआ पर किसी को फांसी होता है तो क्षमादान देने का भी पावर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को होता है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पावर इनको मिला है, पुलिस जिला के एसपी इनको पोस्टिंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये उनका कार्य है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने का पावर आपकी बेटी को मिला है जिसे अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। आपको कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी दरोगा के रूप में चयनित हुई है, मुंगेर की नाम रोशन कर रही है, आपको कैसा फील लग रहा है? बहुत अच्छा, किसी का बयान भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। आपको व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हम लोग अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। एक लड़का तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, मगर जब एक बेटी कुछ करती है तो सोना सीना चौड़ा हो जाता है माँ बाप का। हम लोग ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी। मगर अगर दामाद के रूप में अगर दीपक जैसा दामाद अगर मिलता है हर माँ बाप को, तो उसको अपनी बेटी के लिए फिर कुछ सोचना नहीं। चलिए, मैं आपकी भावना का कद्र करता हूँ, आपको भगवान दोनों मतलब बेटी भी एक सुयोग बेटी संतान के रूप में आपको मिला और आपकी लाइफ उस समय सक्सेस हो गया जो कि दामाद भी योग्य मिल गया उस समय आपकी लाइफ सक्सेस। आपका कर्म है बेटी का कन्यादान करना, कन्या भविष्य इनका बना के आपने कन्यादान किया, लेकिन दामाद भी बहुत अच्छा मिला और आपकी जो खुशी की आंसू जो झलक रही है ये बहुत बड़ा, आप इसको कह सकते हैं कि आने वाला समय में और माता पिता को भी आपसे एक प्रेरणा मिलेगी और नंदनी जैसे बेटी, हर माँ बाप का इच्छा होगा कि नंदनी ऐसी बेटी। आज हमें के युग में जो बेटी को बोझ समझते हैं, जो सोचते हैं दो तीन बेटी मेरी हो गई है जल्दी जल्दी शादी करके हटाओ, बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, जिस तरह आदमी बेटा को शिक्षित करता है बेटे बेटी को भी शिक्षित करे, और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करे। आजकल बेटी हो बेटा से आगे बढ़ रही है, और जो ये फीलिंग माँ बाप का बेटी समझ सकती है, बेटा थोड़ा कम समझता जो बात है जायज। तो माँ बाप को अपना बेटा और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक बराबर शिक्षा देनी चाहिए। जो आज मेरी बेटी ने किया है वो हर बेटी कर सकती है, बस थोड़ा सा उसको गाइडलाइन का जरूरत है। आज मेरी बेटी जो लायक बनी है, कामयाब हुई है, उसके पीछे हम लोग भी हैं, उसका भाई भी है, उसका पूरा परिवार भी है, उसके हस्बैंड भी है, मगर जो उसने कर दिखाया, जो उसने कष्ट करके भी कर दिखाया, वो हर लड़की नहीं कर सकती। जब वो फिजिकल का तैयारी कर रही थी तो हम लोग छुप छुप के रोते थे, पैर के दर्द से इतना पीड़ित होके भी आज उसने फिजिकल निकाला, यहाँ तक पहुँची, तो इससे बड़ा बात हम लोग के लिए और कुछ नहीं हो सकता। माताजी, आज आपकी आंसू सार्थक रूप जा रहा है, आपकी बेटी उस योग्य बनकर आपकी आंसू जो लिए आज आ रहा है ये खुशी का आंसू है और आप वैसे श्रेणी में आ गए कि हर कोई आपसे मैं बता रहा हूँ और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक बेटी ही ऐसी है दो गुण का नाम रोशन करती है, एक मायके का और ससुराल का। और जिस तरह से आंटी अपनी खुशी को इजहार के तौर पर आंसू गिर रहा है तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपकी बेटी आपके पूरे कुल को, आपके कुल को, अपने ससुराल के कुल का नाम रोशन किया है। क्योंकि एक महिला को किस तरह से इस समाज में देखा जाता है और किस तरह इस महिला को इस समाज में सब इंस्पेक्टर के रूप में बनकर आई है ये बहुत बड़ा मामला बनता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी, आज अगर कोई लड़की बाजार जाती तो जिस तरह की माहौल है, छिटाकसी की माहौल होती है, हर कोई चाहता, जैसे माता श्री बता रही थी कि आज बेटी को लोग पालने में कहता है कि जल्दी से शादी ब्याह करके निकल जाए, लेकिन हालात और समय समय के साथ बदलता सा नजर आ रहा है। लड़कियां भी हर क्षेत्र में आ रही है, चाहे वो पायलट के रूप में हो, चाहे वो मिसाइल चलाने वाला, फाइटर प्लेन को चलाने वाले में भी महिला आ रही है, थल में भी आ रही है, जल में भी आ रही है, आप हर चीज में देख लीजिए, एक सब इंस्पेक्टर के रूप में, एक अच्छा प्रशासक के रूप में, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, हर जगह महिला परस्पर पुरुष के कंधे से कंधे मिला रही है। और मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, मैं फोन में भी इसमें बोल दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो प्रधानमंत्री का ये जो स्लोगन था वो सार्थक पूरे धरती पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, भारत के मानचित्र पर दिखता हुआ नजर आ रहा है।
आज जैसे नंदनी जी ने सब इंस्पेक्टर कंप्लीट किया है, इससे हर माँ बाप को ये बोझ नहीं होगा। अगर लड़की सही से ढंग से अपनी अगर भविष्य को सवार लेती है तो हर माँ बाप को होगा कि चलो। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि अगर पुतोहू अच्छा घर में नहीं आता है तो उस समय माँ बाप को कैसा लगता है कि दूसरे घर से लड़की आई और पुतोहू के रूप में। अगर वो बूढ़ी माँ बाप को पुतोहू और बेटा नहीं देखता तो उस समय बेटी दामाद ही एक दूसरा रूप होता है जो कि अपने माँ बाप की गम को समझता है और उसको हमेशा सहयोग करने के लिए बेटी दामाद तैयार रहता है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि दो कुल का नाम रोशन करती है बेटी, और बेटी इन जैसे नंदनी जैसी बेटियां हर कोई बाप माँ बाप को नसीब हो। और चलिए अब हम नंदनी जी से कुछ जानना चाहते हैं। नंदनी जी, आप जो सब इंस्पेक्टर के लिए कंप्लीट किए तो चलिए आपने तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से किया, घर में बैठे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से चाहे गूगल के माध्यम से आपने एग्जाम की तैयारी की, लेकिन एज ए फिजिकल की तैयारी जो हो वो कहाँ से आती? जमालपुर में सब किए थे। बीटी के एग्ज़ाम के बाद हम जमालपुर में सितेश सर के कोच हैं उनको ज्वाइन किए थे, वही हमको सब चीज़ सिखाएं और उन्हीं की वजह से सर कम्प्लीट। तो दौड़ वगैरह मतलब जमालपुर ही जाते जी सर, वहीं जाके दौड़ते थे, वहीं मेरे हस्बैंड हमको लेके जाते थे और वहीं सब चीज़ हमको। चलिए नंदनी जी, आप अब तो मैं आपकी बायोग्राफी के तौर पर आ रहा हूँ, आपकी हॉबीज क्या रही शुरू से बचपन से अभी तक? सिंगिंग रहा है सर, पढ़ना तो रहा ही है। सिंगिंग रहा है जी सर। कुछ एक थोड़ा सा गुनगुना, हल्का सा गुनगुना, हल्का जो आप थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया। मम्मी पापा को जब इतना ज्यादा गौरवान्वित होकर आदमी बच्चा देखता है तो लगता है कि जितना भी मेहनत हम सब किए सब मेरा सफल हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा? सिंगिंग के बाद क्या होगी? पढ़ना सर, हमेशा से पढ़ना मेरा रहा है, पढ़ने में हमको एकदम आगे रहना। तो आप जैसे मम्मी पापा बता रहे थे कि आप शुरू से ही हर क्लास में फर्स्ट ही हूँ, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक, अच्छा ही। आने वाले भविष्य में आप सब इंस्पेक्टर के बाद में अगर आपको इस तरह से आप शादीशुदा जिंदगी होते हुए भी आप बहुत बड़ा त्याग करके आप तैयारी करके सब इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर के रूप में भी अगर आप के साथ साथ क्या आपकी भविष्य रही, आपकी उज्ज्वल कामना मैं करता हूँ कि आने वाला भविष्य में भी आप तैयारी जी सर, यूपीएससी का भी तो करना है। एक सब इंस्पेक्टर के रूप में आप समाज को अपने कार्य से कैसे आप उसको सुधार लाएंगे, जिस तरह से जो हालात में आप भी देखे कि महिला हैं आप समझती होंगे कि जो लड़कियाँ अगर पढ़ने जाती हैं तो समझ रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, वैसे माहौल में आप एक सब इंस्पेक्टर के रूप में जैसे कहिए से क्वेश्चन किया जाता है कि एक ही समय में मुसलमान भाइयों का भी जुलूस निकले और हिंदू भाइयों का भी जुलूस निकले, तो उस समय कहिए के रूप में हमने देखा है जैसे में पूछा गया था क्वेश्चन, उस समय एक प्रशासक के रूप में आईएएस के रूप में आप उस हालात में क्या करेंगे, तो उसी हालात में जिस तरह से आप दरोगा ऐसे आपको सामने कैसी कठिन परिश्रम और समस्या आ जाएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? शांतिपूर्ण ढंग से तो हर चीज़ को सपोर्ट कर किया जा सकता है, आप में कितना काम है कितना पेशेंस है इससे आप हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे हिंदू का कोई केस हो चाहे मुसलमान का कोई केस हो, किसी को भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से समझाया जाए तो हर कोई समझ सकता है कोई भी चीज़ को। आपको उस समय की हालात और साक्ष्य और सच्चाई को जानते हुए आपको मिल रहे हैं जी सर, वो तो है ही, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा आपको। आने वाले भविष्य में आप जैसे जिस तरह से आप सब इंस्पेक्टर होते हैं, हम लोगों को जब हम भी आपको ये बता सकते हैं कि पुलिस ही एक ऐसी डिपार्टमेंट है कि हर चीज़ पर थोड़ा सा अगर अवसर अच्छे रहते हैं तो अंकुश आप जैसे थाना प्रभारी अगर किसी थाने में आ जाता है और उसका कार्य करने का स्टाइल होता है तो ऑटोमेटिक तो उसे एरिया तक बनाएंगे, बस अपते वो ईमानदार रहे स्ट्रिक्ट रहे तब कैसा रहे? तो रहना ही है, ईमानदार रहने से हर कोई आपको पूछता है, हर कोई आपका रिस्पेक्ट करता है, ईमानदारी से ही सारा काम करना है। चलिए आप आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे बीच में, और आपके जो अभी आप लोग से ही जाने कि आपके एक भाई है, मैं बता दूँ दर्शकों को एक भाई है मोहित, जो कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर इनके सर्टिफिकेट और शील्ड वगैरह को आप ले, और मैं आने वाले
निकट भविष्य में कल परसों उनका भी एक इंटरव्यू चलाऊंगा, क्योंकि वो भी माँ बाप का और बहन का नाम रोशन कर रहे हैं खेल के क्षेत्र में। उनको बहुत ज्यादा उपलब्धि मिली है, बहुत जगह से इनको लोक सम्मान पुरस्कार से नवाजा ही गए हैं। मोहित जी से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा आने वाले एक दो दिन में, मैं उनका इंटरव्यू उनका मोहित जी का और इनके हस्बैंड जो दीपक जी हैं मैं उनसे भी अपने दर्शकों को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। आप नंदनी जी, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो आप हमारे दर्शकों को अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हार्डवर्क से एकदम लगे रहिए, सबका ड्रीम पूरा होगा, वो चाहे घर बैठे हो चाहे कहीं जाके, बस जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका आपको सफलता आपको मिलेगी। आप सुन रहे थे हमारे बीच में मुंगेर की ही बेटी नंदनी, अपने बहुमूल्य समय देकर अपनी किस तरह से तैयारी इन्होंने किया है और कैसे सब इंस्पेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ है। और मैं कल इनसे हमारी मुलाकात कोतवाली के शांति समिति की बैठक में हुई थी और उस समय भी मैं कंफ्यूज हो गया था कि उस समय हमको लगा कि ये थाना प्रभारी के कोई रिलेटेड है रिलेशन से है, तो लेकिन बाद में इनके वार्ड कमिश्नर के द्वारा हमसे हुआ कि नहीं वो सब इंस्पेक्टर में चयन थी। और उस समय इन्होंने इनकी इच्छा थी कि मैं हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू दें और समय आज निर्धारित हुआ, आज हमारे साथ अपनी बहुमूल्य समय दिए। आने वाले समय में मैं अपनी चैनल की ओर से इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अपनी ट्रेनिंग पूरा करके ये अपने कार्य में एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में पूरे बिहार में जाने जाए, ये हम लोगों की इनसे आशा है, शुभकामनाएं हैं। और खासतौर पर मुंगेर की बेटी होने के नाते मुंगेर वासियों की ओर से मैं बिहार न्यूज के ब्यूरो युवराज सिंह इनको बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, बने रहे बिहार न्यूज।